नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो आईबीपीएस का जो 2020 और 21 का कैलेंडर वो जारी कर दिया गया है, कब आईबीपीएस का एग्ज़ाम होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जीवा स्टडी पर आगे की कोई अपडेट पाना हो तो चैनल से जुड़े रहें। तो आईबीपीएस का जो पीओ का एग्ज़ाम होगा इस बार की तरह फिर वही अक्टूबर में, जो प्री होगा वो 3, 4 और 10 अक्टूबर, ये डेट फिक्स की गई है। और मेंस के लिए जो 28 नवंबर है वो डेट यहाँ पर क्या है फिक्स की गई है। फिर आईबीपीएस कलर की बात करें तो 12, 13 और 19 दिसंबर, ठीक है, 12, 13 और 19 दिसंबर को प्री का डेट फिक्स की गई है, और मेंस की डेट है वो 24 जनवरी 2021 को फिक्स की गई है। फिर बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी, ठीक है, आरआरबी पीओ और क्लर्क। तो आरआरबी पीओ और क्लर्क 1, 2 और 8, 9 एंड 16 अगस्त, ठीक है, ये क्या अगस्त में 1, 2 अगस्त, 8, 9 और 16 अगस्त को आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क के डेट फिक्स की गई है। और पीओ की जो मेन एग्ज़ाम है आरआरबी का वो 13 सितंबर को और कलर का 19 सितंबर को, ठीक है, ये फिक्स किया गया है। फिर ऑफिसर स्केल टू और स्केल थ्री जो आरआरबी के एग्ज़ाम होते हैं उसका जो सिंगल एग्ज़ाम होगा वो 13 सितंबर को होगा, ठीक है, सिंगल एग्ज़ाम होगा। फिर आईबीपीएस एसओ का एग्ज़ाम जो प्री है वो 26 और 27 दिसंबर 2020 को, और जो मेन है वो 30 जनवरी 2021 को करवाया जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, जो इस साल हुए थे, जो मीन्स जो 2019 में हुए थे वैसे के वैसे ही 2020 में वो के वो एग्ज़ाम लगभग उन्हीं मंथ में हैं, ठीक है। तो बने रहिए जीवा स्टडी के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जीवा स्टडी।